झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, कुलाधिपति जस्टिस बी.एन. खरे, कुलपति प्रोफेसर नंद कुमार यादव हिंदू, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, भगवान बिरसा मुंडा के क्षेत्र झारखंड की पावन धरती पर स्थित इस विश्वविद्यालय के नूतन परिसर के दीक्षांत मंडप में ऊर्जावान युवा विद्यार्थियों के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त कर रहे स्नातकों, परा स्नातकों और शोधार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। सभी पदक विजेता विद्यार्थी विशेष प्रशंसा के पात्र हैं, साथ ही शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इस प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की सराहना करता हूँ। सराहना इसलिए करता हूँ, समय तो बहुत लगा, लेकिन एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। इतने वर्षों बाद यदि प्रथम दीक्षांत समारोह हो रहा है तो मैं उसकी सराहना करता हूँ। विश्वविद्यालय चाहे राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, एक उत्तरदायित्व मिलता है। विद्यार्थियों की अपेक्षा होती है कि शिक्षा प्राप्त करें, उनका सेशन समाप्त हो, एकेडमिक सेशन पूरा हो, परीक्षा फल आए और उसके बाद उनको उपाधियां या डिग्रियां जो भी प्राप्त होती हैं वो मिल सके। एक क्रम चलते रहना चाहिए। लेकिन इसलिए मैं, जब मुझे मिले वाइस चांसलर साहब, तो मुझे लगा थोड़ा सा कि वाकई में इतने वर्षों क्यों लगे, कुछ बाधाएं रही हैं, कुछ जेन्युइन थी। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि एक बार क्रम शुरू हो गया है, जिसको मैं ये कहता हूँ कि यदि कभी कभी ट्रेन लेट भी हो जाए, लेकिन जब एक बार ट्रेन चल देती है तो उम्मीद करते हैं कि वो हर स्टेशन पर समय से ही पहुंचेगी। और मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों में ये क्रम जो है वो प्रत्येक वर्ष निरंतर चलता रहे और समयावधि के अंदर चले। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में केरल तक और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र तक लगभग 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि भूटान, मलेशिया और यमन से भी आए विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर पर्यावरण से जुड़े विषयों पर, आपके विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ किए जा रहे सहयोग से उपयोगी परिणाम निकलेंगे। झारखंड का यह क्षेत्र जिस पूर्ववर्ती बिहार का हिस्सा रहा है, वहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय ने प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित की थी और ये हम सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। वह स्थान नालंदा, चूंकि मैं अभी दो ढाई वर्ष लगभग पूर्व उसी बिहार का एक राज्यपाल के रूप में मुझे दायित्व मिला था, तो मैं जानता हूं कि बिहार और आपका झारखंड राज्य एकीकृत राज्य के एक ही हिस्से रहे हैं और नालंदा कोई बहुत दूर नहीं है। उस आदर्श शिक्षा केंद्र से प्रेरणा लेकर, मैं नालंदा की बात कर रहा हूँ,
आप सबके इस विश्वविद्यालय परिवार को उत्कृष्टता के विश्व स्तरीय प्रतिमान अर्थात द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की आकांक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, झारखंड की लगभग 26% आबादी जनजाति है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन यापन करने तथा स्वस्थ परंपराओं को जीवित रखने की शिक्षा पूरे समाज को, खासकर युवा पीढ़ी को, आदिवासी समुदाय से प्राप्त हो सकती है। हमारी युवा पीढ़ी को अपने आदिवासी भाई बहनों के समग्र विकास के लिए संवेदनशीलता के साथ अपना योगदान भी देना है। जनजातीय समुदाय के विकास में योगदान देने के लिए आप सब विकास भारती तथा रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थानों से प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। कल मैं विकास भारती बिशुनपुर के समाज कल्याण के कार्यों को देखने जाऊंगा। वहां जाने की मेरी इच्छा लगभग 2 वर्षों से है और शायद कुछ लोगों को जानकारी होगी कि जब मैं पिछले वर्ष आया था तो संयोग से मुझे वहां जाना था, लेकिन मौसम अनुकूल ना होने के कारण उस दिन रांची में मैं रहा। इतनी बारिश हुई जोर से कि चॉपर की भी जाने की उन्होंने जब मना कर दिया कि वहाँ हम लैंड नहीं कर सकते हैं, तो मेरे जाने का प्रोग्राम स्थगित हो गया। लेकिन मेरे मन में था कि आदिवासी समुदायों के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, उनका विकास में कितनी उनकी भागीदारी है, और उसका जब मुझे बताया गया कि एक केंद्र है बिशुनपुर में, तो मैंने मेरे मन में इच्छा थी और मैं कल की बात तो कल कोई नहीं जानता हूँ, आज मैंने मैडम को जब मैं आया तो मैंने कहा आज मैडम आज भी बादल हैं, मुझे पता नहीं कि कल का क्या होगा, लेकिन मैं इस उम्मीद पर हूँ कि मैं जाऊँगा और कल नहीं जा सका तो फिर आऊँगा वहाँ जाने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य ज्ञानात ही बुद्धि कौशलम अर्थात ज्ञान से ही बुद्धि और कौशल को प्राप्त किया जा सकता है। निजी तथा सामाजिक जीवन में ज्ञान की उपयोगिता को रेखांकित करता है। नैतिकता तथा अन्य चारित्रिक गुणों को आत्मसात करना भी शिक्षा का अनिवार्य अंग होता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा मात्र एक साधन है, यदि यह सच्चाई, संकल्प, धैर्य और ऐसे ही अन्य गुणों से युक्त नहीं होगी तो यह निर्जीव हो जाएगी, अर्थात शिक्षा का कोई जीवन में महत्व नहीं होगा। इसी बात को सामान्य भाषा में कहें तो शिक्षा का उद्देश्य है एक बेहतर इंसान। हम सब जानते हैं, यद्यपि आज के मॉडर्न एज में एजुकेशन के पर्पजेस डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि एजुकेशन का मुख्य ध्येय होना चाहिए हर छात्र को एक अच्छा इंसान बनाना। यदि वो अच्छा इंसान होगा तो अध्यापक बनेगा तो अच्छा अध्यापक बनेगा, यदि वो डॉक्टर बनेगा अच्छा इंसान होगा और फिर डॉक्टर बनेगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, यदि वो संयोग से सामाजिक नेता भी बन गया तो अच्छा सामाजिक नेता होगा, और इसके बाद में यहां बहुत प्रसन्नता होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यदि वो अच्छा इंसान होगा तो अच्छा पति होगा और अच्छा पिता भी होगा, और इसी के साथ साथ यदि हमारी बेटी होगी अच्छी इंसान बनेगी तो अच्छी जो है वो पुत्र वधु होगी, अच्छी सास भी होगी। प्यारे विद्यार्थियों,
समाज सेवा के महत्व को समझना और उसमें सक्रिय होना राष्ट्र निर्माण के साथ साथ आत्मनिर्माण के लिए भी जरूरी है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण आदि ऋणों के साथ साथ समाज ऋण को चुकाने के लिए भी सभी को पूरी निष्ठा से तत्पर रहना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन में पूरे समाज का योगदान होता है, इसलिए विश्वविद्यालयों को भी चाहिए कि वो पूरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जून 2018 में नई दिल्ली में आयोजित राज्यपाल सम्मेलन में मैंने ये विचार दिया था कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह सभी विश्वविद्यालयों को भी यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सक्रिय होना चाहिए। इस जिम्मेदारी को निभाने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि यहाँ के विद्यार्थी नज़दीक के गांव और बस्तियों में लोगों के बीच कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं के समाधान में हाथ बटाएं और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास करें। वे विशेष तौर पर गांव की साफ सफाई, साक्षरता, बच्चों के टीकाकरण और न्यूट्रिशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अपने आसपास के गांवों को गोद ले सकता है और उनकी प्रगति में सहभागी भी बन सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपके विश्वविद्यालय ने आसपास के 5 गांवों को गोद लेने के लिए पहल की है तथा कुछ ग्रामीण बच्चों को शिक्षण सामग्री देने और उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप सब ने ली है। आप सब समाज के अपेक्षाकृत पीछे रह गए लोगों के लिए ऐसे अनेक कार्यक्रम चला सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, महिला सशक्तिकरण सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम हमारी बेटियां होती हैं। मुझे और आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी बेटियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और उसकी एक झलक हम सब ने यहां पर भी देखी होगी। मैंने अधिकांश विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में देखा है कि स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होती है। आपके विश्वविद्यालय में भी पिछले 6 वर्षों में कुल 96 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 64 है और बेटों की संख्या मात्र 32। अर्थात 1:2 का रेशियो ऑलमोस्ट। इस प्रकार स्वर्ण पदक विजेता बेटियों के संख्या की संख्या बेटों से दुगनी है। बेटियों का यह शानदार प्रदर्शन भविष्य के विकसित भारत की सुनहरी तस्वीर की एक झलक है। प्रायः बेटों की तुलना में हमारी बेटियों को अधिक चुनौतियां और बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए उनकी यह उपलब्धि और भी सराहनीय है। लेकिन बेटियों की सफलता का यह अनुपात विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कम दिखाई देता है। संयोग से आज नेशनल साइंस डे भी है। मैं आपके बीच रांची आने के पूर्व आज सुबह मैंने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में भाग लिया था जो कि नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशंस के संबंध में था। वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम होने के कारणों पर चर्चा हुई और उनके समाधान के लिए कुछ योजनाएं भी घोषित की गई हैं। इस विश्वविद्यालय के साइंस और इंजीनियरिंग के अध्यापकों और छात्राओं को मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई। एक योजना है जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस अथवा गति नामक कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की समानता के लिए विश्व की श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने में संस्थानों की सहायता की जाएगी। महिलाओं के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी उपयोगी सामग्री से युक्त ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर महिलाओं के हित में चल रही सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों तथा करियर काउंसलिंग की जानकारी उपलब्ध रहेगी। मैं चाहूँगा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी बेटियाँ इन विशेष सुविधाओं का लाभ उठाएं और अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी अपना सक्रिय योगदान बढ़ाएं। प्यारे विद्यार्थियों, इस सदी के विश्व बाजार में ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण पूंजी के रूप में उभरा है। ज्ञान, बुद्धि और कौशल के क्षेत्र में निरंतर बदलाव भी हो रहे हैं। नित नए इनोवेशन के परिणाम स्वरूप तेजी से हो रहे परिवर्तनों के इस दौर में अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर प्रासंगिक बनाए रखना एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। सदैव कुछ ना कुछ नया जानने और सीखने वाला व्यक्ति ही इस दौर की चुनौतियों का सामना कर सकेगा। साथ ही जिज्ञासा, उत्साह और सतर्कता के साथ साथ अपने ज्ञान, कौशल और बुद्धि का सदैव विकास करने वाले व्यक्ति के लिए आज अपार अवसर भी उपलब्ध है। केवल अपने कौशल के बल पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए अनेक भारतीय युवाओं ने विश्व स्तरीय सफलताएं अर्जित की हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इन अवसरों का समुचित उपयोग करते हुए आप जैसे विद्यार्थी जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पहले भारत की तत्कालीन युवा पीढ़ी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे देश की स्वाधीनता और हमारे समाज में बदलाव लाने के महान आंदोलन को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया था। उन राष्ट्र निर्माताओं के नैतिकता व राष्ट्र प्रेम के आदर्शों को आत्मसात करते हुए आज की युवा पीढ़ी 21वीं सदी के भारत को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों को सफलता के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।